गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम जूम के थ्रू मीटिंग लेने वाले थे, दोपहर में एक ईमेल आया पेरेंट का और अभी न्यूज चैनल में भी आ गया कि कुछ जूम के साथ इश्यू है, डेटा लीक कर रहे हैं। तो जो पॉइंट्स मैं आपको मीटिंग में डिस्कस करने वाला था वो अभी कर लेता हूं। ये मेरी मीटिंग अभी जो बच्चे 11 साइंस में जा रहे हैं उनके लिए है। सबसे पहले तो हम आपको एवरीडे या ऑल्टरनेटेड कुछ सब्जेक्ट्स के यूट्यूब लिंक्स भेज रहे हैं, वो बच्चे को एक से दो बार या तीन बार देखनी है, उसके बाद हम जो वर्कशीट भेज रहे हैं वही आपको सॉल्व करनी रहेगी। आपको अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है तो व्हाट्सएप वेब के थ्रू उसको कनेक्ट करके आप अपने पीसी में चार फोल्डर बना दीजिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उसमें हम जो वीडियोस भेज रहे हैं उनको डेट वाइज, चैप्टर वाइज उसको डाउनलोड करते जाइए। यानी एक फोल्डर आपका बनेगा सब्जेक्ट का, जिससे अगर आपको कभी रिवीजन भी करना होगा, कोई टॉपिक का रिवीजन करना होगा, तो आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। आप जब वीडियोज अपलोड करो कंप्यूटर के अंदर तो उसमें टॉपिक का नाम लिखना बहुत जरूरी है। सेकेंड, कोई सब्जेक्ट की लिंक आप देख रहे हो और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको नोट डाउन कर दीजिए, और पूरे वीक के बाद जितने भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हैं वो टॉपिक का लिस्ट आप मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप कर दो, वो मैं टीचर्स को फॉरवर्ड कर दूंगा और वो आपको एक्सप्लेनेशन में दे देंगे। थर्ड, मैंने आपको सब टेक्स्ट बुक भेज दी है पीडीएफ फाइल, अगर आपको नहीं मिली है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। जब भी आप यूट्यूब लिंक देखें तो जो टॉपिक की यूट्यूब लिंक हो उस टॉपिक को टेक्स्ट बुक से दो से तीन बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो टॉपिक को दो से तीन बार पढ़ो आफ्टर वॉचिंग यूट्यूब लिंक। फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। अब आप एक सिंपल बात समझिए कि हमारा दो पोर्शन में अब आपको वीडियो और वर्क करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। एक जो फ्रेश लिंक आती है उसको डे टू डे देखना चाहिए, और जो लिंक ऑलरेडी आ चुकी है उसको आपको एक सब्जेक्ट रीडिंग की तरह पार्टीशन करना चाहिए कि भाई हम एक घंटा फिजिक्स, एक घंटा मैथ्स ऑब्लिक बायो और एक घंटा हम केमिस्ट्री पुरानी वीडियोस देखेंगे और पुराने चैप्टर्स को पढ़ेंगे। यानी एटलीस्ट आपका पास एवरीडे 4 आवर्स का काम हो गया, एक घंटा न्यू लिंक्स के लिए और 3 घंटा पुरानी जो भेजी गई है उसको देखने, समझने और टेक्स्ट बुक से रीड करने के लिए। ये एवरीडे का शेड्यूल होना चाहिए क्योंकि अब आपकी हम एग्जाम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। नोटबुक एक कॉमन बना लो सब सब्जेक्ट की, और टेक्स्ट बुक के जो टॉपिक्स है उसको आप लिखने की हैबिट डालो। सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, ये आपको एक गोल्डन टाइम मिला है, उसको आप यूटिलाइज कीजिए, और जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, आप जो टॉपिक टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो उसको आप गो थ्रू हो जाओ और एक बार लिखने की कोशिश करो, मेमोराइज करने की कोशिश करो। ये था मेरा एक एकेडेमिक सिंपल सा मीटिंग जो मैं आपको समझाना चाहता था, और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट बच्चा 4 घंटे का शेड्यूल रखे घर पे, वो बहुत जरूरी है। आप इसको वैकेशन के मूड में मत रहो, पता नहीं लॉकडाउन कब ओपन होगा, पता नहीं हम कब कोचिंग चालू कर पाएंगे, पर इस टाइम का यूटिलाइजेशन करो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। ओके, वन मोर थिंग, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि JEE नीट एसेट्रा एसेट्रा हम कंफ्यूज हैं, हम क्या करें, हम ये करें वो करें। नहीं, अभी आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को फोकस करो और हम जो लिंक भेज रहे हो उसको फोकस करो। अभी तो शुरुआत है, हमको एक दिन में सब कुछ खा नहीं लेना है, तो जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी है उसको आप फॉलो कीजिए। ये वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और उसको मैनेज करने की, वो टाइम टेबल को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।